आज हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला महामंत्री और छत्तीसगढ़ टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़कू भैया यानी ओम प्रकाश गुप्ता जी, नेताजी मौजूद हैं, जिन्होंने 25 सालों से कांग्रेस की सेवा की है, अपने कंधों पे झंडा उठाया है और निस्वार्थ भाव से गांव-गांव जाकर कांग्रेस और कांग्रेस के योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और कांग्रेस के स्थानीय जो संगठनात्मक रुख है उसको, उसकी नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं TD समाचार और हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। चलिए मिलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता यानी बड़कू भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका DD समाचार के इस स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं अपने पहला सवाल से शुरुआत करूंगा। आप 25 सालों से कांग्रेस में हैं, लगातार कांग्रेस की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का संगठनात्मक जो ढांचा है वो स्थानीय लेवल पर कमजोर है, जिसे कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हावी होती रहती है? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो बड़ी पार्टियां होती है, बड़ा परिवार होता है तो थोड़ा मोड़ा विचारधाराओं का अंतर आता है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और रही बात संगठन के विचारों का, तो हर पार्टी में होता है और कांग्रेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और विगत 25 वर्षों से हम कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस की विचारधारा तो एक ही है, आपके संगठन की विचारधारा हो या फिर कांग्रेस की विचारधारा या जो सत्ताधारी लोग हैं, इन सब का विचारधारा एक ही है, क्योंकि एक ही के बच्चे हैं सब। इसके बाद भी बाजार में निकलने के बाद जब स्थानीय कार्य करने की बात आती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। संगठन कहता है कि हमारे बात सत्ता नहीं सुनता, सत्ता कहता है हमारा बात संगठन नहीं सुनता, गुटबाजी दिखाई देता है। और अब 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो लोग, जो MLA या विधायक जो संगठन से आए हैं, जो संगठन से पार्टी में आए हैं, वो सत्ता और संगठन को तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते चले गए हैं और जो विधायक संगठन से ना आकर के ऊपर से कहा जाए पैराशूट टाइप का आए हैं तो वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उसका कारण है कि वो संगठन से लगातार नहीं जुड़े थे। क्या ये सारा वर्तमान विधायक क्यों है? नहीं, मैं कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति यही है कि जब सरकार 15 वर्षों बाद सत्ता में आई तो बहुत ऐसे लोग टिकट पा गए जो संगठन से रूबरू नहीं थे और उसके वजह से सत्ता और संगठन का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। जो अभी आने वाले समय में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे बड़े नेता, हमारे जो शीर्ष नेता है, वो चाह रहे हैं कि संगठन का तालमेल अच्छे से हो जाए और उसमें काम भी किया जा रहा और हम सब चुनाव की तैयारी में संगठन के साथ हैं। एक प्रश्न बार बार ये उठता है, कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में है, दोबारा भी आने का प्रयास कर रही है और लगभग ये भी लग रहा है अभी के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आपके भूपेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं आम जनता पे हावी है, ऐसा लगता है कि सरकार आ जाएगी। लेकिन अगर हम स्थानीय लेवल की बात करें तो स्थानीय लेवल में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन ये विकास की जो धारा है वो दो भागों में बट गई है उनके विधानसभा में, एक मनेन्द्रगढ़ एक चिरमिरी। मनेन्द्रगढ़ को खुश कर रहे हैं, चिरमिरी से और आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कांग्रेस का सीट निकालने में किस प्रकार का दिक्कत आ सकता है या किस प्रकार का फायदा होगा? देखिए, आपका प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। हमारे विधायक जी संगठन से नहीं आए हैं और संगठन से नहीं आने से थोड़ा उनको काम करने में जो अनुभव की कमी होने की वजह से, उनके अनुभव की कमी होने की वजह से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को लगातार पिछले चुनाव में आगे बढ़ाए हैं और सरकार उनके मेहनत से आई है, कार्यकर्ताओं को मेहनत से सरकार आई है। और रही बात विधायक की, तो हमेशा ये देखा गया है कि समय आने पर जो जनप्रतिनिधि हो बदले जाते हैं और जो वर्तमान के विधायक की आप बात कर रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ और चिंदरी को लेकर जो बात कर रहे हैं, देखिए मनेन्द्रगढ़ जिला बना, मनेन्द्रगढ़ मुख्यालय बना और मनेन्द्रगढ़ में सारे कार्यालय खोले गए और चिंदरी का विधायक हैं, तो चिंदरी के विधायक ये चाह रहे थे कि भाई
सारे कार्यालय यहाँ आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि पॉलिसी मैटर है। अब पॉलिसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बहुत बड़ी योजना है, जो नए 5 जिले बने हैं अभी तत्काल में, नए जो 5 जिले बने हैं वो उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बने हैं, और जिला मुख्यालय मनेगढ़ बना है, और कुछ कार्यालय, ये बात हुई थी चिमरी आने की, पर उसमें हमारे विधायक कार्यालय की बात हुई, 11 कार्यालयों को चिमरी में आने की बात तय हुई थी, पर उसमें हमारे विधायक महोदय असफल हुए, जिससे क्या लगता है, क्या लगता है उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया? देखिए, जब सत्ता और सरकार एक साथ चलती है तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार को समझना पड़ता है, और विधायक वहां पर असफल हो जाते हैं और अपनी बात नहीं मान पाते हैं। किस तरह से असफल हो जाते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि ये चीजें नहीं कर पाए, जबकि सत्ता सरकार आपका है तो आपका काम तो और आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो काम अगर विपक्ष में कोई बैठा होता तकलीफ होता, विधायक अगर मान लीजिए दूसरे पार्टी के होते तो समस्याएं आ सकती थी, लेकिन सरकार आपकी है, भूपेश जी ने खुद जिला बनाया है, आपने रिकमेंडेड किया था 10 से 11 कार्यालय मांगा है, आपके विधानसभा में जिला बना है, फिर कैसी समस्या भाई? देखिए, आप एक चीज को गंभीरता से देखिए, जब कोई भी जिले बनते हैं अगर उसमें 2-3 नाम पाए जाते हैं तो ये परेशानियां हर जिले में देखा जा रहा है, चाहे वो आप गौरेला पेंडा की बात करें, चाहे मनेगढ़ चिमनी भरतपुर की बात करें, नाम जरूर गौरेला पेंडा मरवाही है पर कार्यालय सारे पेंडा में है, नाम जरूर मनेगढ़ चिमरी भरतपुर का पर सारे कार्यालय मनेगढ़ में ही हैं, और अगर विधायक ऐसा नहीं कहा तो विधायक जी को जानकारी का अभाव था, इसलिए उन्होंने ऐसा बीच जनता को चुप करने के लिए या उनकी बात को तीव्रता को वेग को रोकने के लिए ऐसा उन्होंने एक लिखित नहीं दिया, मौखिक बातें कह दी, और जो उनको खुद समझ में आ रहा कि जो मैंने बात किया वो उचित बात नहीं है। अभी एक प्राइवेट टीवी चैनल में कार्यक्रम हुआ था, डिबेट हुआ था, उसमें विधायक जी ने कहा है कि हमने सौगात दी है जिला चिकित्सालय को मनेगढ़ को, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा किया था कि जिला चिकित्सालय चिमरी में होगा, क्या कहेंगे? देखिए, चिमरी में सामुदायिक अस्पताल है, 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ चिमरी में और उप अस्पताल बहुत सारे हैं जो कोल इंडिया के माध्यम से चलाए जाते हैं, आपको सब सारे खत्म हो गए, रीजनल अस्पताल एक था वो भी आजकल सिर्फ रिफर करने का काम कर रहा है। जी जी, सहमत हूँ, लेकिन जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जिला अस्पताल संभव नहीं है और संभव नहीं हो सकता है, देर आए दुरुस्त आए, देर नहीं माना गया, पर ये बात सत्य है कि अस्पताल जिला चिकित्सालय अस्पताल मनेगढ़ में खुलेगा, वहीं खुलना था, पर विधायक जी ओवर कॉन्फिडेंस में या वो किस बात से कह गए ये उनके समझ की बात है, पर जब वो कहे थे तो मैंने उसका विरोध किया था कि जिला अस्पताल चिमरी में आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बिस्तरों का है। ये मान लिया जाए कि चिमरी में 11 कार्यालय में अब एक भी कार्यालय नहीं आएंगे, देखिए अब आने वाले समय में चुनाव है, हम 3 महीने के बाद चुनाव की स्थिति बनती, आचार संहिता सितंबर में लग जाएगा। रही बात कार्यालय की, ये एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर सरकार के हिसाब से चलती है, और माइक में भाषण देने से कुछ नहीं होता है, पॉलिसी मैटर को पॉलिसी मैटर के तत्वाधान में ही हल होता है। अब ये माना जाए, जब अभी तक नहीं आया तो ये माना जाए कि 11 जो कार्यालय है वो संभव नहीं है। नेताजी, मैं आपकी बात को थोड़ा देर के लिए अगर सहमत भी हो जाऊं, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं बार बार कि पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी कौन बनाता है? शासन को कोई भी योजना होगा, सीएम साहब ने किसी चीज का घोषणा कर दिया, अब वहां के सचिवालय से और आपके यहां कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, ये सारे बैठ के एक समिति बनती है, वो बैठ के फैसला लेते हैं, उसके साथ उनको विधायक, जो स्थानीय विधायक है उनको शामिल किया जाता है, स्थानीय महापौर है उनको शामिल किया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष है उनको शामिल किया जाता है, जो कांग्रेस के लीडर है विपक्ष को शामिल किया जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये जगह उपयुक्त है, ये नाम जो सरकारी नाम आए हैं इसका चयन करना है, आप लोग और जगह बताए, तो इसमें पॉलिसी मैटर कहाँ है? इसमें तो पॉलिसी ने खुद की कमी है ना भाई, पॉलिसी मैटर आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, आप सवाल लगातार अच्छे पूछ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बधाई साधुवाद। देखिए, केवल आप कांग्रेस की बात को देख रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर जाइए, उन्होंने वादा किया कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे, क्या कोई उन्होंने डाला? हम आपको 2 करोड़ की नौकरी देंगे। बात है, केंद्र की बात हम कर ही नहीं रहे, हम अभी तत्काल में वर्तमान जो विधानसभा उसको लेके बात करें, इसमें 15 लाख और 25 लाख की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे की बात की, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार जो 15 साल
छत्तीसगढ़ में शासन की है, उन्होंने बहुत अनेकों अनेक वादे किए हैं कि हम शराब को बंदी कर देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम शराबबंदी की बात तो भूपेश बघेल ने की थी, और हम बंजी बुदेली में पावर प्लांट खोलेंगे, हम कोरिया जिला को गोद में ले रहे हैं। अब बताइए क्या यह हो सका? कोरिया जिला को उन्होंने गोद में लिया और गोद में लेकर के पीठ में चूरा भोग दिया। आप उनको क्यों नहीं काउंटर करते हैं? आप हम एक चीज देख रहे हैं, लगातार आप कांग्रेस पार्टी को ही काउंटर करते हैं, मुझे खुशी भी होती है। इसके पीछे वजह ये है कि 15 साल उनके कर्मों का ही वो दंश झेल रहे हैं जो 5 साल से बनवास में है। लेकिन अभी फिलहाल सत्ता आपकी है, आपने बहुत सारे वादे किए, बहुत बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए आप पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, स्थानीय में यहाँ बहुत बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए गए, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं है। खास तौर से चिरमिरी, जिसको लेके आपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और विधायक बने, आपकी पार्टी विधायक बनी, अरे यहां तक कि आपने नगर निगम में भी कब्जा किया, लेकिन हुआ क्या? चिरमिरी जिस जनसंख्या को लेकर आपने इस स्थानीय नेतृत्व पे बैठा और आज उन्हीं सपनों को आपने दरकिनार कर दिया एक तरफ, और ये कहते हैं कि ये पॉलिसी मैटर बात है, योजनाएं जो है वो देखिए हो नहीं पाई, और आप ही कह रहे हैं कि विधायक जी की कमी है। देखिए 15 साल की जो गंदगी थी भारतीय जनता पार्टी की, 15 साल की जो गंदगी है वो हम 5 साल में कैसे साफ कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कारपोरेट की पार्टी थी। आज हम 5 साल में जब हमारा शासन लगातार चला, हम 51 ऐसे ऐसे योजना निकाले हैं जो जन लाभकारी, जन हितकारी, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से हमारी सरकार लाभ दे रही है, चाहे वो युवा की योजना हो, किसान न्याय की योजना हो, हाफ बिजली की योजना हो। हम धान की बात करते हैं, देखिए आज हमारा छत्तीसगढ़ 70% की आबादी किसान की है। आज जो उनको 1800 रुपए धान का मूल्य मिल रहा था, आज भूपेश सरकार ने 2640 रुपए कुंटल धान का मूल्य दे रही है, और आने वाले समय में हम आपको 2800 रुपए कुंटल देंगे। एक सेकेंड, और उसके बाद हम आपको एक एकड़ में 20 एकड़ धान लेना शुरू कर दिए। किसान हमारा मजबूत हुआ, किसान हमारा सजग हुआ, वो धान का उत्पादन बढ़ाया। जब धान का उत्पादन बढ़ाया तो हमारी भूपेश सरकार ने उनका रकबा बढ़ाया, जब उनका रकबा बढ़ाया तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान लेना शुरू किया। हमारा किसान मजबूत हो रहा, हमारा गरीब नौजवान मजबूत हो रहा, हम नौजवानों को 2500 रुपए सहयोग राशि दे रहे हैं। इस तरह हमारी 51 जो योजनाएं हैं बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की बात करेंगे तो कभी वो किसी की आंख फोड़े हैं, कभी किसी का गर्भाशय निकाल लिए हैं, तो ये इनको काम कुछ नहीं करना है, ये केवल करते हुए काम का दोषारोपण करना है, काम 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 की शिकायत करना है। ये बताइए 15 साल में से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोरिया जिला के 3 विधानसभा में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? मैं आपसे 1 सेकंड समय लूंगा, 5 सेकंड का, कि बंजी बुंदेली में पावर प्लांट लगाने की बात हुई थी कि यहाँ के बच्चे जो हमारे कोल इंडिया के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करेंगे, पर क्या हुआ? सुनने हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बोलिए आप। कांग्रेस को अगर काउंटर करेंगे तो मैं भी उसका जवाब बड़े प्यार से हंस से देता जाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपके जो जवाब को भी स्वीकार भी करता, लेकिन चूंकि ये प्रदेश की बात है, हम स्थानीय बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप स्थानीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने कार्यों के कारण फिर से दोबारा वापस आने की स्थिति में है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूं। स्थानीय लेवल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया है लोगों को ठगने के सिवा, पूरे चिरमिरी को आपने ठगा है। देखिए रही बात आपकी, कांग्रेस पिछले बार भी अगर जब कोरिया बना था उस समय भी 6000 पॉपुलेशन को जिला बना दिया गया, उसमें भी आपके कांग्रेस के ही लीडरशिप ने अपना मनमर्जी चलाया। इस बार भी वही हुआ, जो 13000 की आबादी थी बढ़ के 26000 हुई, उसको आपने जिला बना दिया। और जो बड़ी आबादी है जिसके थ्रू आप आते हैं, जब टिकट देने की बारी आती है तो ये देखा जाता है चिरमिरी से चेहरा कौन है, क्यों देखते हैं भैया चिरमिरी से चेहरा? आप मणिंद्र से दे दीजिए, दुपछोला से दे दीजिए किसी को टिकट, क्यों चिरमिरी से देते हैं? सिर्फ वोट बटोरने के लिए चिरमिरी से टिकट देते हैं क्या? देखिए जो हमारा मणिगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो 3 भागों में बटा है। पहला है मणिगढ़ शहरी क्षेत्र, दूसरा है चिरमिरी जो कोल फील्ड कौली क्षेत्र से घिरा हुआ है, और तीसरा हमारा ग्रामीण क्षेत्र खड़गवा है। हमारे जो किसान साथी हैं वो खड़गवा विकास खंड में रहते हैं, और जो हमारे व्यापारी समुदाय के लोग हैं, जहाँ राजस्व की भूमि पर्याप्त मात्रा में है, ये सारी भूमि मणिगढ़ में है। और जो हमारी कोल इंडिया है, जो सरफेस एरिया को कोल इंडिया SECL सेंट्रल गवर्नमेंट को लीज मिली है,
अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लीज में लेने के बाद उनकी कहीं कहीं लीज खत्म हो चुकी है, पर वो जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वापस नहीं कर रहे हैं। इससे थोड़ी बड़ी समस्या है। बहुत सारी जमीन उन्होंने वापस किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो हमारे चिमिरी के नागरिक हैं, जो हमारे प्यारे भाइयों हैं, जो जमीन पर आज 50 वर्षों से 40 वर्षों में काबिज हैं, हम उसके लिए नई नीति बना रहे हैं कि जहां जहां वो काबिज हैं, जो जमीन एसीसी उनको वापस कर दी है स्टेट गवर्नमेंट को, हम बहुत जल्दी उस काबिज जमीन के लोगों को पट्टा देने वाले हैं। और यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। आप वार्ड क्रमांक 1 से नीचे जाइए, खड़गवा सॉरी अपना 1 नंबर वार्ड सादा पार्क आगे जाइए, तो आपको देखिए कई लोग को लिखे जो हम लोगों को ऑलरेडी पट्टा दे रहे हैं। हम पट्टा चिमरी में लोगों को देना चाहते हैं, बहुत जल्द देना चाहते हैं। जैसे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, कोल इंडिया के अधिकारी हमें जमीन वापस कर देंगे, हम तत्काल जो काबिज लोगों को काबिज जो भाई हमारे अपनी भूमि में है या मकान बना लिए हैं उनको हम पट्टा देंगे। जब पट्टा देंगे तो स्थायी हो जाएंगे। सही बात, पहला तो ये हो गया। दूसरा, लगातार आज 1928 से और 1923 हो गया, मतलब आज 95 साल से लीज में जो जमीन है और यहाँ के लोग लीज के जमीन का उपयोग किए हैं, तो हमारी सरकार आने के बाद ही कार्य की है। इसके पहले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, लेकिन उन्होंने स्थायी के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, जब से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी आए हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने लोगों की परेशानी से दो चार हुआ, नजदीक से परेशानी समझे, ग्राउंड लेवल में परेशानी को समझे और उसके उसके लिए उन्होंने कार्य किया। और वो कार्य बहुत तेजी से आपको बहुत जल्दी दिखेगा, महीने एक महीने के अंदर दिखेगा। हमारे राजस्व मंत्री और उसमें कार्य कर रहे हैं, कैबिनेट में बैठक हुई है और इसमें हम चाह रहे हैं कि लोगों को पट्टा मिले और हमें हमने जो केंद्र को जमीन दिया वापस आए और यहाँ के लोगों को स्थायित्व तो मिले और हम खुशहाल जिंदगी जी सके। चलिए, ये बात जो आप पट्टे की कर रहे हैं, ये तो पूरा कोल फील्ड एरिया में जहाँ भी है पूरे देश में चल रहा है, ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से और भी सवाल जो आपको होते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है, अगर हम स्थानीय बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, तो हमारे खास रूप से चिरमिरी में, चिरमिरी की आज दुर्दशा के पीछे एक बड़ा कारण यूनियन की लीडरशिप माना जाता है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर चिरमिरी आज बैकफुट में जा रहा है, यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लंबे रूप से पलायन कर रहे हैं, स्थायित्व के लिए भी कोई खास पहल नहीं हो पाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यूनियन के नेता रहे हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप किए हैं, यही वजह है? देखिए, होता क्या है, देखिए आप चिरमिरी को दो हिस्से में बांटिए। पहला हिस्सा जो कोल फील्ड के हमारे कामगार भाई हैं और दूसरा हिस्सा जो कामगार के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कामगार के आगे अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो एक अलग हिस्सा हो गया, और जो कामगार कॉलोनी में काम कर रहे हैं वो अलग हिस्सा हो गया। अब यूनियन के नेता कामगार के बीच ही लगातार रहे हैं और उनको ही अपनी सेवा देते रहे और लेते रहे, पर जो हमारे अलग से जो कामगार की जो सेवा कर रहे हैं, व्यापारी बंद हो गए, छोटे कारोबारी हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनका ध्यान यूनियन के नेता उनको महत्व कम दिए या नहीं दिए। लेकिन बोर्ड तो बराबर है, यूनियन का जो कामगार है वो भी उतने, उसके बोर्ड का भी उतना महत्व है, और जो एक बेचारा बाजार में सब्जी बेचता है या बाजार में गंडा बेचता है या अन्य कुछ बेचता है, उसका भी एक वोट है। एक वोट अदानी का भी एक वोट है और हमारे माननीय द्रोणाचार्य भैया का भी एक वोट है। तो वो जो तालमेल बना, उनकी जो उन्होंने जो अपने आप को जो उनकी विचारों को सिकुड़ कर दिया, विचारों को उन्होंने बढ़ाया नहीं, विस्तार नहीं किया, बस कामगार और यूनियन के नेता तक सीमित रह गए। अब जो बाहर के जो लोग हैं उनको कोई सहयोग मिला नहीं, तो जो नया नेता चुनाव लड़ा, चाहे महापौर की बात करूं या अन्य किसी, तो नया नेता जो चुनाव लड़ा महापौर के लिए लड़ा, वो व्यक्ति ऑलरेडी यूनियन से जुड़ा नहीं था। जब यूनियन से नहीं जुड़ा तो उसको कुछ कामगारों को सहयोग मिल गया और कुछ जो हमारे काली में काम नहीं करते हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय कारोबारी है, उनका सहयोग मिल गया। इससे वो यूनियन के नेता बेचारे चुनाव में भी उनको नुकसान हुआ और जो यूनियन में नहीं थे उनको डबल फायदा मिला, चुनाव जीत गए, जबकि हमारे यूनियन के नेता बहुत काम किए। लेकिन काम किनका किए, जो यूनियन के साथ कामगार जुड़े हुए हैं, जो अन्य जो लोग दल के लोग थे, अन्य जो लोग थे, उनका कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हमें बाद में मालूम चला, जब हमने समीक्षा किया तो हमें मालूम चला कि हमको इनका वोट नहीं मिला और इनका वोट मिला, तो इससे हमारी हानि हुई, इसका हमें खेद है। इन 5 सालों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 साल आप लोग बैकफुट में रहे, वनवास में रहे। हर हार के बाद एक समीक्षा बैठक होता है जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय,
आप चूंकि 25 सालों से कांग्रेस में हैं, तो उन 15 सालों में क्या समीक्षा निकला कि आपकी कांग्रेस क्यों लगातार हार रही थी? और चूंकि इस बार जब आपकी सरकार आई है, ये 5 साल बीतने वाले हैं, फिर समीक्षा होगा, एक समीक्षा चुनाव से पहले होगा और दूसरा समीक्षा चुनाव होने के बाद होगा, कितना अंतर महसूस करते हैं दोनों के बीच में? उन 15 सालों के हार के पीछे क्या वजह था और अभी वर्तमान में क्या लगता है? देखिए, बात तो बहुत अच्छी आपने पूछा। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, पर हमारे जो वोटर थे, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के जो मतदाता थे, वो कांग्रेस को पसंद करते थे। लेकिन हमारे ही बीच जो अजीत जोगी जी थे, अजीत जोगी जी के रहने से उन्होंने हमेशा हमारे पार्टी को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाया, और हमारे जो शीर्ष नेता थे वो हमेशा उनको मौका देते रहे, चलिए अब सुधर जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाया गया। अंत में क्या हुआ, अंत में बात मालूम हुई कि नहीं, अब नहीं होगा। जैसे ही अमित और अजीत जोगी से कांग्रेस पार्टी ने पीछा छुड़वाया, आप देखिए हमारी सरकार बनी, सुनामी से हम जीते, हमने 90 में 68 से जीता, उसके बाद लगातार उस चुनाव जीते हैं। इसका कारण हमें बाद में समझ में आया कि हमारे घर के अंदर ही घुस करके कुछ लोग पार्टी को दूषित करते थे, और पार्टी में रह करके, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी में रह करके रमन सिंह जी का मदद करते थे, और घर का वेदी लंका ढाई वाली स्थिति पैदा कर दिए थे। जैसे माननीय भूपेश बघेल, चरणदास महन जी जब आए, सरकार बनी, तो आप देखेंगे लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, लगातार कांग्रेस की योजनाएं सामने आई, और लगातार हम गरीब, कमजोर, किसान, युवा, सारे लोग के लिए हम लगातार खुले हाथों से और खुले मन से काम किए हैं। आज छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता माननीय भूपेश बघेल, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत को दिल से प्यार करती है, दिल से चाहती है, और वो चाहती है कि दोबारा सरकार कांग्रेस की बने। जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो हमारा किसान मजबूत होगा, अब किसान के बच्चे जो पढ़ लिख कर डिग्री लेकर के आज तैयार है, उनको नौकरी मिलेगी। तो आज हमारी सरकार बहुत मजबूत हालत में है, और सरकार दोबारा फिर कांग्रेस की बन रही है, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसके बाद कभी हमारी बैठक होगी तो इस बात को जरूर याद करिएगा। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनने के लिए, हमारी सरकार कब बनेगी, हमारी सरकार तब बनेगी जब हमारे कुछ वर्तमान विधायक हैं, उन विधायकों को टिकट घटाया जाएगा, नए चेहरे लाए जाएंगे। जब नए चेहरे लाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी का रुतवा, मुख्यमंत्री काम करने का जो औरा है वो चमकेगा, और जो हमारे विधायक काम नहीं कर पाए, जो देखिए वो उनके वो जो विधायक काम नहीं कर पाए, या जो पैराशूट हो गया है, या जो संगठन से नहीं आए, अगर उनको टिकट से पृथक किया जाता है, नए चेहरे आते हैं, तो आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं मैं, आज हमारे पास 71 सीट है, लेकिन हम 75 सीट ला के दिखाएंगे, और हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, इस बात को मानिए। पर चेहरा चेंज होंगे तो मुख्यमंत्री का औरा चमकेगा, माननीय महन जी का औरा चमकेगा, माननीय टीएस बाबा का औरा चमकेगा, पर चेहरा बदलने के बाद, और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक मिनट समय लूंगा आपको, हम विधानसभा जीते, उसके बाद लोकसभा तत्काल आया, तो माननीय मोदी जी ने अपने 11 लोकसभा सीट के चेहरा बदल दिए। जैसे लोकसभा सीट के चेहरा बदले, 11 में 9 जीत गए, उनको मालूम चल गया चेहरा बदलेंगे तो सरकार बनेगी। वैसे ही हम करने वाले, आने वाले समय में हम चेहरा बदलेंगे, सरकार हमारी। भाजपा की नीति रीति अलग है, कांग्रेस की रीति नीति अलग है, दोनों को आप समावेश करके कैसे चल रहे हैं? नहीं, कोई भी अच्छी चीज तो किसी भी सीखी जा सकती है। ये बात तो सोनिया और राहुल को समझाने की जरूरत है ना, आप यहाँ बैठ के क्या कर पाएंगे? नहीं, वो कर रहे हैं, तभी तो देखिए कर्नाटक में सिटिंग एमएलए का टिकट कटा, सरकार बनी, हिमाचल में सिटिंग एमएलए का टिकट कटा, सरकार बनी, वो वैसे छत्तीसगढ़ में। ये तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर हम हार रहे हैं तो ईवीएम मशीन खराब है, और जीत गए तो ईवीएम मशीन सही है। चलिए, ये तो होता रहेगा। आपने कहा कि टिकट कटना चाहिए, नए चेहरे आना चाहिए, पैराशूट जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, उनको हटाना चाहिए। 71 सीट से हम 75 सीट या 80 सीट आएंगे। इस मनिंदगढ़ विधानसभा, भरतपुर विधानसभा, क्या लगता है आपको, यहाँ भी चेहरा बदलना चाहिए क्या? देखिए, अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, हमारे भूपेश बघेल जी, चरणदास महन जी सर्वे करवा रहे हैं, और सर्वे पर जिसका नाम आएगा
उसको टिकट दिया जाएगा। पर ये सत्य है, सर्वे हमारे हो रहे हैं और सर्वे तीन हो चुके हैं, तीन सर्वे में देखा गया है कि स्थिति डामाडोल है प्रत्याशी का, लेकिन प्रत्याशी का डामाडोल हो सकता है पर सरकार की स्थिति बहुत मजबूत है। अभी NDTV वाला ने एक मैं लगातार देखा फेसबुक में, तो ये माना गया, हालांकि पूरा 6 महीना पुराना था, तो ये देखा गया कि चेहरा बदला जा सकता है। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और कांग्रेस की बनेगी। रही बात सर्वे लगातार हो रहे हैं, अभी 2 सर्वे और होंगे, संकल्प यात्रा निकलेगी, अभी लगातार हमारा संभाग वाइज मीटिंग चल रही है। अभी कल दुर्ग में हुआ, इसके पहले बिलासपुर हुआ, 13 तारीख को अंबिकापुर में है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और पूरे दमखम से बोल रहे हैं कि भाई अगर जिताऊ, उनका कार्यकर्ताओं कहना ही कहना है कि अगली इस बार आप जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, हम उसको जिता कर लाएंगे। बिलासपुर में हमारे जितने भी 1200 कार्यकर्ता थे, उन्होंने यही कहा कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, हम जिता कर लाएंगे। कार्यकर्ता उत्साहित है और हम कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए ATM का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो बात करें कर्नाटक की, बात करें येदियुरप्पा की, बात करें हरियाणा की, जहां जहां उनकी सरकार 8-9 राज्यों में है वहां की बात करें हो, और वो पैसा कहां से आता है, किधर से पैसा आता है ये बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार की 38,785 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST का पैसा वापस नहीं किया। जब हमारे हक का GST पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे? फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय चरणदास मान जी को, कि इस फंड के अभाव के बाद भी सरकार जनता को ही परेशान नहीं की, किसानों को परेशान नहीं की, युवाओं को परेशान नहीं की, फिर भी वो मैनेज कर रही है। तो सवाल क्या होता है, बोलना कहना बहुत आसान बात है, ये तो हमारे घर में ED लगा दी है, जाओ यहाँ तक ED के बच्चे भी पढ़ना चालू कर दिया, भाई लोकसभा तक ED के बच्चे रहेंगे और यही बच्चे ही पढ़ेंगे, उनके गार्जियन नहीं रहेंगे और हम कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाओं को, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईडी की नजर रही थी, इसमें बुरा क्या है? नहीं, अगर हम सही हैं तो हमको तकलीफ क्यों? नहीं, ये केवल केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश व्यापक घोटाले में सराबोर है, हजारों लोग इसमें मर गए। आप भारतीय जनता पार्टी के जहां सरकार वहां पर क्यों नहीं? आप पक्षपात कर रहे हैं, आप अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। और आप अगर किसी का ईडी की छापा डालते हैं तो उसको प्रूफ करिए ना कि भाई आपके इतना पैसा जब्त हुआ, ये पैसा कहां से है, कुछ नहीं। आप केवल हमें और हमारी नेताओं को चरित्र हनन करवा रहे हैं, उनका बदनामी करवा रहे हैं, और इस बदनामी से कुछ नहीं होगा और आने वाले समय हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बहुत अच्छे विधायक के साथ आएगी। और आप अभी 14-15 में, अब आने वाले समय में आप सिमट के 8 हो जाएंगे। चलिए, ईश्वर से मैं जरूर कामना करूंगा कि आपकी बात सच हो और भूपेश सरकार का गवर्नमेंट आए। आगे बढ़ते हैं, यदि थोड़ा देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि मणिनगढ़ विधानसभा में आपसे अच्छा विकल्प कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस को आपको टिकट देना चाहिए, क्या प्लानिंग है वर्तमान विधायक से बेहतर कर पाने का, कहां कमियां रहा, आप उनसे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे और कैसे आम जनता के बीच में जाके आप क्या प्रेजेंटेशन देंगे, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए दोनों बचा भैया, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, आप सवाल तो दाग रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल दाग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज्यादा राजनीति जानता नहीं हूँ, मैं हमेशा समाज का सेवा किया हूँ, व्यक्ति का सेवा किया हूँ, तो मुझे आप राजनीतिक मत समझिए, मेरा हृदय साफ है, मैं यहीं का पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और यहीं पे खेला पढ़ा बड़ा हूँ, मैं कोई पैराशूट नहीं हूँ। पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी योजना है और आपने मुझे मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बधाई कि इस मंच से अपनी भावनाओं का, अपने हृदय की जो विचार हैं मैं आपको बता सकूँ। देखिए, मेरा एक प्लान है, मैंने एक प्लान सोचा है, इस प्लान को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुका है, भूपेश बघेल जी को भी, इसके पहले मैंने डॉक्टर रमन सिंह को बताया था। जैसे रेणुकूट मात्र अंबिकापुर से 150 किलोमीटर की दूरी में एल्युमिनियम प्लांट है, एल्युमिनियम प्लांट
में 12,000 लोग काम करते हैं, कामगार होते हैं, और कम से कम 48,000 लोगों को अलग से लाभ एक्स्ट्रा अप्रत्यक्ष लाभ होता है। और कोयले का सह उद्योग माना जाता है, एल्युमिनियम प्लांट को कोयले का सह उद्योग माना जाता है, और रेणुकूट में जो जो एल्युमिनियम प्लांट है वो एल्युमिनियम प्लांट अगर हमें चेवरी हम लग जाता है, कोई भी बड़ी कंपनी लगाती है, तो उसको कोयला 5 किलोमीटर की दूरी से मिलेगा, रेल लाइन 2 किलोमीटर की दूरी में है, पानी 2 किलोमीटर की दूरी में है, जमीनें शासन की जमीनें बहुत पर्याप्त प्रचुर मात्रा में है, और यहाँ पर युवा जो हमारे बच्चे हैं, जो कामगार के बच्चे हैं, जो बहुत मेहनत से पढ़ लिख के लिए हैं, जो बाहर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उन सब यही उनका विस्थापन रुक जाएगा और यहाँ पर उनको नौकरी मिल जाएगी और कम से कम 12,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी केवल यहाँ पर कोयले का सह उद्योग, कोयले का सह उद्योग एल्युमिनियम प्लांट लग जाए। उनको कच्चा माल में क्या चाहिए? बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ से अमरकंटक 100 किलोमीटर की दूरी में है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में सामरी है, ये दोनों यहाँ आराम से जा सकता है। जब 400 किलोमीटर की दूरी में एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जा सकता है, तो 100 किलोमीटर की दूरी में क्यों नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, केवल इच्छा शक्ति कमी है हमारे जनप्रतिनिधियों का। मैं इस बात पर स्पष्ट बात करता हूँ, पार्टी के पार्टी से ऊपर उठ के बात करता हूँ, मुझे यहाँ के युवाओं से प्यार है, मुझे यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित हैं उन पर दया आती है कि आज उनके पिताजी जो 80,000 तनख्वाह पाते थे वो बच्चों को 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, इससे मेरी आत्मा रोती है, मेरे आंख से आंसू नहीं खून गिरता है, पर मैं कर्ज करूं मैं ऐसा हूं। आने वाले समय में पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कोयले से लगा सह उद्योग लाऊंगा और कम से कम 12,000 लोगों को नौकरी दिलाऊंगा और कम से कम 48,000 लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, अप्रत्यक्ष व्यवसाय मिलेगा, उनकी बाल बच्चा बाल परिवार अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे और स्वास्थ्य के रास्ते में स्वस्थ रहेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं टिकट मुझे मिलना चाहिए, अगर टिकट सरकार मुझे कांग्रेस पार्टी देती है तो मेरी ये सबसे द्रुतगामी योजना है, मैं एल्युमिनियम प्लांट यहाँ लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा। दूसरी मेरी योजना ये है, मनेंगर चिमरी नाम जरूर है, मनेंगर चिमरी भरतपुर जिला, पर जिला मनेंगर है, मनेंगर ही सारे कार्यालय वहां बन गए हैं, कलेक्टर वहां बैठेंगे, खाद्य राजस्व अधिकारी वहां बैठेंगे, डीएफओ वहां बैठेगा, समझ रहा हूँ, जिला चिकित्सालय भी विधायक जी बोल रही वहां जाएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन मैं चिमरी और मनेंगर की दूरी जो 20 किलोमीटर है उसको घटा के मैं 10 किलोमीटर कर दूंगा। ये मेरा विधायक बनने का सबसे पहला काम रहेगा, रेणुकूट के तर्ज पर एल्युमिनियम प्लांट और चिमरी और मनेंगर की दूरी 10 किलोमीटर, ताकि चिमरी और मनेंगर की दूरी जब 10 किलोमीटर हो जाएगी तो आवास लोगों को बनेंगे और वो एक दूसरे से मिल जाएगा, तो चिमरी वालों को ये कहने को नहीं मिलेगा कि मुझे जिला नहीं मिला। तो मैं ये काम करूंगा, मेरा मैं नल नाली पानी ये सबसे ऊपर उठ चुका हूं और मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं लोगों को कंबल बांटता हूँ, मैं लोगों को आज इलाज कराता हूँ, 70 साल से मैं कंबल बांट रहा हूँ, गरीब कमजोर असहाय दिव्यांग जो हमारे कमजोर व्यक्ति उनकी सेवा में लगा रहता हूँ, हर किसी का इलाज कराता हूँ, किसी को एम्स भेजता हूँ, कभी किसी को DKS भेजता हूँ, मेरे पास जो आता है तन मन धन से सेवा करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे कोई इसलिए लालच नहीं है कि मेरे बच्चे सब स्वस्थ हैं, सब अपनी जगह फिक्स है, मुझे राजनीति करना है पर स्वस्थ राजनीति करना है, और पैसे कमाने की राजनीति मुझे नहीं करना है, मुझे चिमरी मनेंगर को एक साथ जोड़ देना है और यहाँ पर उद्योग लाना है। क्या बात है, सच है राजनीतिक बयान? बिल्कुल सच है, 100% सच है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल राजनीतिक बयान नहीं है, बिल्कुल कोई राजनीतिक बयान है, 15 लाख और 2 करोड़ वाला राजनीतिक बयान नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप मनेंद्रा विधानसभा के पूरे गांव में घूमिए, आज अभी 6 महीना बाकी है चुनाव में, ये पहली बार कांग्रेस की ऐसी परिपाटी चली है कि चुनाव से पहले ही जो भी प्रत्याशी अपने आप को मान के चल रहे हैं वो अपना प्रचार प्रसार करना चालू कर दिए हैं, जगह जगह अपना नाम लिखवा के कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। अगर योजनाओं का प्रचार करना है तो उसमें नाम लिखाने की क्या जरूरत है, इससे तो वो खुद पे हाशिए पे आ रहे हैं, आम जनता देखने के बाद ये कह रही है कि देखो इनका नाम नहीं जानते हैं ये अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप नेतागिरी करेंगे, इस तरह से अगर आप पूरे विधानसभा में सिर्फ नाम लिखवा लेंगे, चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं अगर प्रत्याशी बन जाते तो उसका एक प्रचार प्रसार का साधन होता है, लेकिन अभी तो कुछ आचार संहिता नहीं लगा, इससे पहले पूरा वो बवंडर क्यों, क्या लगता है ये नई तरह की परिपाटी कैसे चल रही है? देखिए इसमें दो बात है, पहला बात है एक व्यक्ति टिकट मांगने की चाह रखता है और जनता सेवा करना चाहता है, पहला चाह। दूसरी बात करूंगा कि वर्तमान में जो विधायक है
वो तो ऑलरेडी जनता के दिल में होना चाहिए। अगर आप जनता के दिल में है तो आपको दीवार दीवार में अंकित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप तो ऑलरेडी विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक है। विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीन चार नाम भी लेता हूँ जिसमें नाम आपका भी है। हाँ, है ना, उसमें कल्लू केसरवानी जी हैं, एक नाम आपका है और एक दो नाम और हैं। सबका नाम लेने से अच्छा है, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। और ऐसा कोई घर नहीं है चार घर के बाद जिसमें उसमें बकायदा नाम न लिखा हो। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? आप सीधा मुलाकात कीजिए ना, साधा सीधे बैठ के बात कीजिए, जो समस्याएं हैं उनको सुनिए, आप सीधा सरकार की योजनाएं बताइए। सिर्फ नाम लिख देने से क्या सरकार की योजनाएं पहुंच जाएंगी वहां तक? देखिए, मैं आपको अभी भी बताता हूं, यहां जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कहा आपने, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी विधायक पद में तो हूं नहीं, पर मैं विधायक की दावेदारी कर रहा हूं। मुझे विधानसभा टिकट के लिए मैंने अपनी दावेदारी बड़े नेताओं के सामने रखा है, तो जनता तक मेरा नाम कैसे अच्छे से पहुंचे, इसलिए मैंने वॉल पेंटिंग कराया, नो डाउट मुझे मैंने कराया। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लगातार हैं वर्तमान में सत्ता में या पूर्व में सत्ता में रहे या चुनाव हार गए, वो उनको लिखाने की इसलिए जरूरत नहीं कि ऑलरेडी तो जनता के साथ पांच साल पहले रहे, तो उनके लिए बात आपकी लागू होती है। अब रही बात मेरी बात करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले समय में आप देखिएगा कि आपको दिखेगा कि हम काम से हमारा सरोकार रहेगा। जो काम करते हैं उसको दीवार में अंकित कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें काम करने का मौका तो मिला नहीं, हमें काम करने का मौका मिलता तो दीवार में नाम अंकित नहीं होता। लेकिन जिन्हें मिला है उनको तो कम से कम नहीं कराना चाहिए, चाहे वो पूर्व के विधायक हों, चाहे मैं किसी और की बात वर्तमान की बात करूं। तो आप इस मान करिए कि विकास लगातार हो रहे हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए दोना भैया, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, पर जो भी सरकार में आता है विकास जनता के टैक्स पेयर का पैसा है और विकास होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पांच साल किया हूं तो मुझे फिर से मौका मिल जाए तो और अच्छा करूंगा, ऐसा कहीं विधान में लिखा नहीं है। और 15 साल का इतिहास देखा जाए तो उन्होंने कहा कि पांच साल फिर मौका दिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी 5 साल में इतना विकास कर दिए कि हाल समाचार में देखिए हर कोई खुशहाल है। बेरोजगारी की जो आज स्थिति है 7% है, हम स्टेट में आप 17% देखेंगे। सड़कें की बात करें, नल नाली की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम बात करते हैं आत्मानंद विश्वविद्यालय की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जंगल में उत्पाद सामग्री की बात करते हैं, इमली की बात करते हैं, जो इमली भारतीय जनता पार्टी 15 रुपए किलो थी, कांग्रेस को 55 रुपए किलो ले रही है। महुआ की बात करते हैं, कोदो कटकू की बात करते हैं, जो भी हमारे जंगल के वन उपज हैं जिससे हमारे गरीब कमजोर जो आदिवासी साथी जुड़े रहते थे, उनकी जो क्रय क्षमता है, उनकी जो उन्होंने अपने उत्पाद को बेचा बाजार में बेचने के बाद उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ी तो खुशहाल हुए, जब वो खुशहाल हुए तो अपने बच्चों को शिक्षा दिए, जब उनके बच्चे शिक्षा अर्जित कर लिए आज वो चाह रहे हैं कि हमको नौकरी मिले। तो आज हमारे मोदी सरकार जो वादा किए कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम आपको फला देंगे ढका देंगे, कहाँ कुछ किए, कुछ नहीं कर रहे हैं। सब हमारे जो प्रदेश के जो भी बच्चे हैं वो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, पर पैसा जा रहा है उनका सेंटर में और नौकरी के हाथ तक भारतीय जनता पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं और नौकरी भूपेश सरकार कब तक देती रहेगी? पैसा तो आप हमसे ले रहे हैं, हमारा GST नहीं दे रहे हैं। 38,000 करोड़ हमारा GST बकाया दे दीजिए, हम कुछ करेंगे, वो आप दे नहीं रहे, हमसे आप टैक्स ले रहे हैं। द्रोणाचार्य भैया, आपने एक लाइफ बॉय साबुन खरीदा 4 रुपए का, उसमें टैक्स आया 1.72 रुपए, आप 1.72 रुपए में आप मान के चाहिए कि 86 पैसा तो आप सेंट्रल को दे दिए, तो 86 पैसा हमको कब मिलेगा? वो हमको मिल नहीं रहा, हम आपको कहां से उद्योग लगाएंगे और कैसे लोगों को रोजगार देंगे? तो ये स्थिति जरा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सरकार अच्छा काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है और लोगों की नौकरी छीन रही है। और अदानी अंबानी दो लोग इस देश को खरीद रहे हैं और दो लोग बेच रहे हैं। अदानी अंबानी की बात करता हूं और बात करता हूं मोदी माननीय मोदी जी अमित शाह जी, दो लोग इस देश को बेच रहे हैं, दो लोग इस देश को खरीद रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर एक आरोप और भी लगता है, अगर हम स्थानीय बात करें, जो रेलवे की बात आपने की है, रेलवे का स्थानांतरण होना था, नागपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन बनना था, उसके लिए भाजपा या विपक्ष कहें, विपक्ष का कहना यह है कि 50% स्वीकृत राशि जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को दिया जा चुका है। इस योजना के तहत 100% राशि में 50% केंद्र सरकार का, 50% प्रदेश सरकार का। केंद्र सरकार ने 50% दे दिया, लेकिन भूपेश सरकार सिर्फ इसलिए 50% नहीं दे रही है क्योंकि वो योजना भारतीय जनता पार्टी की है। ये सरकार पर आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? बात आपने बहुत अच्छी कही,
हम ये बताइए 50 नागपुर जो रेल की बात करते हैं, आप नागपुर रेल की बात करते हैं, जो 50% जो धनराशि आई सेंटर से, स्वागत है, हमने इसको स्वीकारा, लेकिन जो 50% हमें मिला के देना था, तो हमारा पैसा जो जीएसटी का 38,000 करोड़ रुपए जब हमको वापस करोगे भैया, तब तो हम रेलवे में लगाएंगे। हमको तो आप हमारे बाल भी काट रहे हो, गर्दन भी काट रहे हो, हमारे पैसे वापस कर दो 38,000 करोड़, हम नागपुर के लिए थोड़े पैसे दे देंगे। पैसा हमारे टैक्स का पैसा, हमारी जनता के टैक्स का पैसा आप उसको होल्ड कर रखे हैं, पैसा हमको देंगे नहीं, हम पैसा कहाँ से दें, हमको कर्ज लेना पड़ रहा है रिजर्व आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, हमारे पैसा वापस कर देंगे, हम ऑलरेडी नागपुर रेल के लिए पैसा धनराशि उसके लिए हमने प्रावधान बना देंगे, हम सहमत हैं इस बात से, पैसा देंगे तब तो होगा, पैसे के काम तो पैसे से चलता है। चलिए आपकी बात से मैं सहमत होता हूँ। एक मेरा अंतिम सवाल ये है, ये आपके ऊपर एक और आरोप लगता है जनता के द्वारा, जब जब चुनाव आता है तब तब आप जन्म उत्सव मनाते हैं, 5 सालों में 4 साल आपका जन्म उत्सव पता नहीं चलता है, 5वें साल जन्म उत्सव पता चलता है और धूमधाम से चलता है, पूरे विधानसभा को पता चलता है, ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि हम 2 साल तो उधर कोरोना में परेशान हो गए, सरकार बनी हमारी 2021-22 हम कोरोना में चले गए, 20-21 अब 20-21 कोरोना में जाने से इंसान इंसान से दूर हो गया, हम 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 अपनों से दूर हो गए, हमारे बच्चों से हम दूर हो गए, हम दूर से बात करने में डरते थे, हम 2 साल कैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कोरोना से हमको आज़ादी मिली, मुक्त मिली और हमारे छत्तीसगढ़ के टीएस बाबा भूपेश बघेल ने अच्छी अच्छी जो इंजेक्शन लगा करके हमें मतलब इन चीज़ से मजबूत किया, तो हम लोगों से हमने चाहा कि हम 2 साल लोगों से दूर हो गए, लोगों से मिलने में डरते थे, बात करने में डरते थे, क्यों ना एक ऐसा छोटा प्रोग्राम किया जाए ताकि अपने मिले, अपने लोग आए, अपनों से बातचीत करें, दुख सुख बतियाएं, इसलिए हमने अपना एक 2023 में जन्मदिन का कार्यक्रम रखा, उसमें कम से कम 1200 से 1500 लोग आए और लोग अपना दुख सुख बताए, अपनी कठिनाई बताए, सुनने में अच्छा लगा, तो 2 साल कोरोना निकल गया इसलिए कर नहीं सके, 3रे साल हमने जन्मदिन मनाया और 4थे साल फिर मनाएंगे, ये बात कहां जा जाती है कि हम 5 साल नहीं मनाते हैं, ये जनता का आरोप है, मेरा कहना नहीं है, जनता ऐसा कहती है और मेरा फर्ज है जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैंने इस सवाल को किया। आखिरी आम जनता से चंद शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर, आने वाले जनप्रतिनिधियों के लिहाज से कांग्रेस की सरकार वापस आए, यहाँ विधानसभा सीट कांग्रेस को मिले, इस लिहाज से आप जनता को क्या? देखिए मैं माननीय जनता जनता जनादर है और जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी जनता बहुत समझदार है, छत्तीसगढ़ की क्या पूरे भारत देश की जनता बहुत समझदार है और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार और होनहार है। मैं जनता से ये मांग करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कोई भी काम, कोई भी विकास कम समय में संभव नहीं है। जनता ने हमें 5 साल का समय दिया, हमने उस 5 सालों को की लकीर को 15 साल से बड़ी खींच दिया, जो 5 साल की लकीर है वो आपको 15 साल से बड़ी दिख रही है, आपको भी दिख रही है दोनों भैया, उसको आप माने चाहे ना माने, तो हम जनता से बात करेंगे, जनता से मांगेंगे, जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता ही हमारी भगवान है, जनता ही जनार्दन है, कि हमें अगले 5 साल में फिर से मौका दें, तो हम जो विकास के कार्य, जो गरीब किसान मजदूर खेत खलिहान के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए हम आगे और निरंतर कार्य करते रहें, और जो हमारा फंड माननीय अमित शाह मोदी जी नहीं दे रहे हैं वो फंड भी तक आ जाएगा, हमें ऐसे उम्मीद है कि ज्यादा दिन तक तो फंड रख नहीं सकते हैं, आदमी कल जब हमारा 38,000 करोड़ आएगा तो विकास के कार्यों में लगेगा भैया, और जनता के विकास के लिए हम काम करेंगे, हम जनता के विकास के लिए बैठे हैं, आपकी बताऊं हमारे राहुल गांधी प्रियंका गांधी 24 घंटा जनता के विकास के लिए सोचती है कि हमारी जनता, देखिए राहुल गांधी की बात करें तो वो बंद सोने के बाद ही बंद आंखों सपने देखते हैं कि हमारे लोगों को जब मोदी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो हम युवाओं को कैसे पैसा दे, डायरेक्ट उनके खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर हो जा रहा, अभी 48 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ जिनको नौकरी हम नहीं दे पा रहे, उसमें कई ऐसे भी हैं जो बेचारे अच्छी ऊंची ऊंची पढ़ाई की है, MBBS की पढ़ाई की है, MBA की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पर नौकरी नहीं मिली, पर उनको 2500 रुपए सहयोग की राशि सरकार दे रही है। हम जनता से मांग करते हैं कि आने वाले समय में आप कांग्रेस को चुने और कांग्रेस की सरकार बनाए और इन 5 सालों में जो विकास नहीं हो पाया है वो लगभग हमारे 51 जो हमारे विकास के अंग है वो सब लगातार प्रणाली में हर व्यक्ति उसका लाभ मिल रहा है, जो 51 योजना
योजनाएं हैं उससे हर किसी को लाभ मिला, आगे चल के हमारी योजनाएं बढ़ेंगी और हम हर जनता को लाभ पहुंचाएंगे। और सरकार जब बनती है, जब जनता हमें सहयोग करेगी, सरकार आगे बनती है 5 सालों के लिए पुनः, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे और हर किसान, गरीब, कमजोर, व्यापारी, कारोबारी सशक्त और मजबूत होगा और खुशहाली से जिएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, हम और भी सुनना चाहते थे आपको, आपकी जनता को और भी बताना चाहते थे चिरमिरी की जनता की कि आपकी शब्द क्या है, आपकी रूपरेखा क्या है, आपकी रणनीति क्या है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपने अपना अनमोल समय निकाल के डीडी समाचार को दिया, डीडी समाचार के इस खास कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। कहने का मतलब यह है कि विकास सिर्फ 5 साल ही नहीं, 10 साल 15 साल में होगा, ऐसा कहना है हमारे बड़कू भैया यानी ओम प्रकाश गुप्ता जी का। वो लगातार हमारे साथ रहेंगे, जब भी हमको मौका मिलेगा हम उनको बुलाएंगे और जो भी कांग्रेस की रीति नीति है और जो भी स्थानीय लेवल में जो कुछ होना है, जिसमें बदलाव करना है और क्या कैसे किया जा सकता है इस विधानसभा को लेके, क्या होना चाहिए, इन चीज़ के लिए हम उनको बुलाएंगे और फिर से चर्चा में सहभागिता बनाएंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।